और आइए अब हम आपको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय श्रीटेनी से हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की बातचीत सुनवाते हैं, जो किसानों के एक बार फिर से आंदोलन के बाद केंद्रीय उन्होंने राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो काफी कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, आपका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपने देखिए राकेश टिकैत को दो कौड़ी का आदमी कहा है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हम आपको पहले भी मैंने भी बताया वार्ता में, कल यहीं की घटना है। मैं तो परसों दिल्ली से ही आया हूँ, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर इस बात को और इस विषय को रखा कि राकेश टिकैत जी 1 75 घंटे का धरना यहाँ पर करने के लिए बैठे थे। हालांकि वो धरना समय से पूर्व ही समाप्त हो गया, तो उन्होंने उस दौरान कुछ ऐसा अपशब्द लखीमपुर के लोगों के लिए कहे, तो मैंने यही बात कही कि वो उनका अपना स्तर है कि वो किस तरह से बात करते हैं, लेकिन मेरा स्तर ऐसा नहीं है कि मैं उनके जो उन्होंने कहा उसमें प्रतिक्रिया दूं। और दूसरा सवाल, हमारे यहाँ के लोगों ने कहा था कि उन्होंने लखीमपुर के लोगों के साथ साथ आपको भी गुंडा कहा, आपको भी ये कहा कि उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक बात है, हम लोगों को, हम तो सीधे अपने काम से काम रखते हैं, हम अपने काम पर जाते हैं, काम से रास्ते में है, कोई पीछे क्या कहता है ये उसका अपना समस्या है। राकेश टिकैत ने कहा है अब कि उन्होंने जिस तरह के बयान पहले दिए तो उनको याद है क्या हुआ था, कुछ ले गए थे, जो भी हुआ था उन्होंने हिंसा हुई थी, तो वो बार बार इस बयान इस तरह के देंगे तो उनको फिर तैयार रहना चाहिए। वो राकेश टिकैत जो है वो उनके कारण हुआ था, यहाँ पर किसी तरह की कोई बात नहीं थी। जहाँ तक किसानों की बात करेंगे, लखीमपुर जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है, और किसानी और खेती की दृष्टि से भी कोई भी जिला लखीमपुर के मुकाबले में नहीं है। जितने प्लेन मैदान, जितना ऊपर पानी, यहाँ पर जितना उत्पादन है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चीनी लखीमपुर के किसान पैदा करते हैं, और यहाँ भी सारे किसान हैं। लेकिन आप सबने देखा होगा कि ये यहाँ धरने पर जरूर आए, लेकिन हमारे जिले के किसानों ने उनके साथ कोई समर्थन नहीं किया। ये बताता है कि हमारे जिले के किसान पूरी तरह से वो तो कह परिपक्व रहे हैं हैं, कि ये दो हमारे कौड़ी साथ वाला हैं। बयान खाली उनके लिए नहीं, सारे किसानों के लिए, उन्होंने कहा है। अब ये जो जो हताश और निराश लोग होते हैं वो कहते हैं राकेश टिकैत से बड़े किसान तो हम ही हैं, हम भी किसान हैं, और राकेश टिकैत से ज्यादा जमीन भी, उनसे ज्यादा ट्रैक्टर भी हमारे पास है। आपने चौथे स्तंभ पर भी अटैक किया, आपने कहा चौथा स्तंभ बेवकूफ है आपके वीडियो में जो आपने कहा है हमने पत्रकारों को देखिए लेकर। मैंने पत्र का ये अगर पूरा आपने देखा होगा तो हमने कहा कुछ उससे, और वकूफ का जो मैंने अर्थ बताया उर्दू शब्द है उसका अर्थ भी देखिए, हमने कुछ कहा। कुछ लोग इस तरह का भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं जैसे मानो मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैंने कुछ शब्द का प्रयोग किया, मैंने सबके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जो लोग भ्रम समाज में फैलाते हैं तो वो निश्चित रूप से निंदनीय है। बेवकूफ है, नहीं बेवकूफ नहीं है, वो निंदा के योग्य है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो चौथा स्तंभ, वैसे कोई होता नहीं है, बेवकूफ शब्द का देखिए चौथा स्तंभ कोई होता नहीं है, तीन ही स्तंभ है हमारे संविधान में। चौथा स्तंभ इसलिए पत्रकारिता और मीडिया को कहा गया क्योंकि उनकी जिम्मेदारी और उनके प्रचार प्रसार को देखते हुए वो हमारे संवैधानिक ढांचे को मजबूत कर सकते हैं, इसलिए उनको चौथा स्तंभ कहा गया। लेकिन उस चौथे स्तंभ में अगर कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो उनको ठीक करना मेरा चाहिए। आखिरी छोटा सवाल आपसे और है कि आपने वीडियो में कहा कि सड़क पर जब आप निकलते हैं तो कुत्ते आ जाते हैं, किसके कैद का कहना है कि उन्होंने इस बयान को किसानों से रिलेट करके कहा है या फिर पत्रकारों से रिलेट करके कहा? देखिए मैंने ना पत्रकारों से रिलेट करके कहा है ना किसानों से रिलेट करके कहा है। हमारे गांवों में एक कहावत बहुत पहले से कही जाती है कि हाथी अपने रास्ते जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। मुझसे जो प्रश्न था वो यही था कि भैया आपको वो ये कह रहे हैं कि आप गुंडा हैं, बदमाश हैं, फलाना है, तो आप कोई बात क्यों नहीं कहते? तो मैंने कहा देखो हम अपने रास्ते पर जा रहे हैं, और अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा जैसे भैया मैं लखनऊ जा रहा हूँ, अब हमारी